छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख और नहीं बढ़ाई जाएगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज इस पर बयान दिया है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। 7 फरवरी धान खरीदी की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की गुहार सुनने के बाद धान खरीदी की तारीख 7 दिन के लिए बढ़ाया था, जिसके बाद धान खरीदी की अंतिम तारीख 7 फरवरी निर्धारित की गई है। इसी बीच बीजेपी ने धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की है, इसे लेकर विरोध भी हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि आज खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इस मुद्दे पर बयान देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि अब तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। मंत्री ने कहा है कि धान खरीदी में हम रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और अब तक 21 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचा है। ऐसे में धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी रिकॉर्ड हुआ है और अब तक करके जितने भी रिकॉर्ड थे हम अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में 15 साल में कभी 70 से आसपास से ऊपर नहीं गए। हमारा ओपनिंग 82 लाख मीट्रिक टन से था, दूसरे साल 84 लाख मीट्रिक टन, तीसरे साल 92 लाख मीट्रिक टन, इन साल सैकड़ा। तो एक तरह से एक के बाद एक रिकॉर्ड बन रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों के दिन फिर गए हैं और सब लोग खुश हैं, किसान त्यौहार मना रहे हैं। तारीख नहीं बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हम मैं बोल रहा हूँ कि जब धान खरीदी लगभग अंतिम स्थिति में है, सभी लोग अपना धान बेच चुके हैं, 21,70,000 के लगभग किसान अपना धान बेच चुके हैं, अब बचे ही नहीं। जो लोग थोड़ा बहुत बचे हैं उन लोगों का जो अभी शेष तिथि है उसमें कंप्लीट हो जाएगा।